एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश कोर्स। ओके, मैं आज आपको इस बुक से पढ़ा रही हूँ, जनरल इंग्लिश कोर्स से आपका चैप्टर 8। ओके, चलिए देखते हैं। आज का हमारा चैप्टर है टॉमी। टॉमी कौन है? टॉमी एक डॉग है। ओके, कुत्ता है। चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख लीजिए कि टॉमी, ये देखिए, ये टॉमी का मालिक है, ये उनके बच्चे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई एम अ टॉमी। मैं कौन हूँ? टॉमी हूँ। आई एम अ पैट डॉग। मैं एक पैट डॉग हूँ, मतलब एक पालतू कुत्ता हूँ। आई गार्ड माई मास्टर हाउस, है ना। मैं अपने जो मालिक है, यहाँ पर मास्टर किसको गाया है? मालिक है, उसके घर का क्या हूँ? चौकीदार हूँ। आई बार्क एट स्ट्रेंजर। मेरा जो भौंकना है वो काफ़ी स्ट्रेंजर है। आई कीप थीव्स अवे फ्रॉम द हाउस। मैं चोरों को अपने घर से क्या रखता हूँ? दूर रखता हूँ। आई प्ले विथ माई मास्टर चिल्ड्रन। मैं अपने मालिक के बच्चों के साथ खेलता हूँ। समझ में आया? एक डॉग है, टॉमी नाम है जिसका, वो अपने बारे में बता रहा है। आई एम अ टॉमी। मैं कौन हूँ? टॉमी हूँ। आई एम अ पैट डॉग। मैं एक पालतू कुत्ता हूँ। आई गार्ड माई मास्टर हाउस। मैं अपने मालिक के घर का क्या हूँ? चौकीदार हूँ। आई बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मेरा जो भौंकना है वो काफ़ी स्ट्रेंजर है। आई कीप थीव्स अवे फ्रॉम द हाउस। मैं चोरों को अपने घर से दूर रखता हूँ। जहाँ पर आपने देखा होगा कुत्ते रहते हैं, वहाँ पर जैसे ही कोई उनके घर में प्रवेश करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वो क्या करते हैं? भौंकने लगते हैं। और उनके भौंकने की वजह से वो क्या है, चोर या कोई भी पर्सन हो, अंदर नहीं जा पाता। उनके घर के मालिकों को पता चल जाता है कि हमारे घर में किसी की एंट्री हुई है। आई प्ले विथ माई मास्टर्स चिल्ड्रन। मैं अपने मालिक के बच्चों के साथ खेलता हूँ। माई मास्टर इज़ वेरी काइंड टू मी। मेरे जो मास्टर हैं, मेरे जो मालिक है, वो बहुत ही मेरे लिए दयालु हैं, दया की भावना रखते हैं। ही गिव मी नाइस फूड टू ईट। वो मुझे खाने में अच्छा खाना देते हैं। ही गिव मी मिल्क टू ड्रिंक। और पीने के लिए मुझे क्या देते हैं? दूध देते हैं। ही टेक मी आउट फॉर अ वॉक। वो मुझे कहाँ ले जाते हैं? बाहर घुमाने के लिए, मतलब चलाने के लिए लेकर जाते हैं। ही लव मी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ओके, ही लाइक माई कंपनी। मुझे उन्हें मेरे साथ रहना पसंद है, है ना। कंपनी मीन्स यहाँ पर क्या है, किसी के साथ रहना, किसी के साथ हमें अच्छा लगना, उसके लिए कंपनी वर्ड यूज किया गया। समटाइम आई गो इन माई मास्टर्स कार विथ हिज फैमिली फॉर अ राइड। कभी कभी हम क्या होता है, कुछ समय के लिए हम कहाँ जाते हैं? अपने मालिक के इस कार में बैठकर उनकी फैमिली के साथ राइड मीन्स घूमने जाते हैं। ओके, दैट इज माई कैनल। यह जो दिख रहा है, ये मेरा डॉग हाउस है जहाँ मैं रहता हूँ। ये उसका डॉग हाउस को क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। वह है मेरा कैनल। आई लिव इन इट। मैं इसमें रहता हूँ। तो समझ में आया, एक डॉग है जो अपने बारे में क्या बता रहा है कि मैं टॉमी हूँ, मैं एक पालतू कुत्ता हूँ, मेरे मालिक के घर का मैं क्या हूँ? चौकीदार हूँ। मेरा जो भौंकना है वो काफ़ी स्ट्रेंजर है। मैं अपने घर से चोरों को काफ़ी दूर रखता हूँ, है ना। मैं अपने जो मालिक है उसके बच्चों के साथ खेलता हूँ। मेरे जो मालिक है वो काफ़ी दयालु हैं, वो मुझे खाने में अच्छा खाना देते हैं और पीने के लिए क्या देते हैं? दूध देते हैं। और मुझे बाहर भी घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। किसको? उसके मालिक को। और कभी कभी कुछ टाइम के लिए हम पूरी फैमिली कार में कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं। वह जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वह क्या है? मेरा डॉग हाउस है, कैनल है। और आई लिव इन ईट। मैं उसमें
रहता हूँ। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड। आपको क्या करना है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। अ बेबी कैट इज, बेबी कैट को क्या बोलते हैं, ए किटन है ना। ए बेबी हॉर्स इज, एक बेबी हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, ए फॉल। ए बेबी डॉग इज, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, ए पपी। ए बेबी काउ इज, ए कार। काउ के बच्चे को बछड़े बोलते हैं ना, कार। ए बेबी टाइगर इज, ए कब। ए बेबी शीप इज, ए लम। ए बेबी गोट इज, ए किड। तो आपको पता चला कुक्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं, हॉर्स के बच्चे को फॉप बोलते हैं, बे और डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, काउ के बच्चे को काफ बोलते हैं, टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं, शिप के बच्चे को लंब बोलते हैं और गोट के बच्चे को किड बोलते हैं। समझ में आया इतना। चलिए अब देखते हैं पेयर। द पेयर्स, हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच अवे गो टूगेदर। राइट द नेम ऑफ पेयर अगेंस्ट इस पिक्चर। यहाँ पर आपको पेयर की पिक्चर दी गई है जिसमें आपको इन पेयर्स को पहचानना है और यहाँ पर वर्ड्स को लिखना है। ओके तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लॉक है और ये की है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉक एंड की। क्या लिखेंगे, लॉक एंड की। ये क्या है, कप है और ये क्या है, शशर है। तो हम क्या लिखेंगे, कप एंड शशर है ना, कप एंड जो प्लेट आप बोलते हो। ओके चलिए अब ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, शूज। क्या दिख रहा है, शूज। और ये क्या दिख रहा है, सॉक्स। तो हम क्या लिखेंगे, शूज एंड सॉक्स। क्या लिखेंगे, शूज एंड सॉक्स। ये क्या है, नाइफ। और ये क्या है, फॉर्क है ना। तो हम नाइफ एंड फॉर्क लिखेंगे। ओके समझ में आया आपको कि आपको पेयरिंग कैसे करनी है। सपोज मैं आपको एग्जाम में लॉक एंड की देती हूँ, ओके तो आप क्या करोगे, लॉक एंड की लिखोगे। कप एंड प्लेट देती हूँ तो कप एंड शासक लिखोगे। शूज एंड सॉक्स देती हूँ पिक्चर तो शूज एंड सॉक्स लिखोगे। नाइफ और फॉर्क लिखती हूँ तो नाइफ और फॉर्क लिखोगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 8 जो टॉमी है द पेयर ये कंप्लीट होता है। आपको आपकी जो जनरल इंग्लिश की बुक है इसमें राइट डाउन करना है और ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक और द पेयर्स ये दोनों को आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। आप बार बार पूछते हो कि हमको कौन सी चीज़ नोटबुक में लिखनी चाहिए, कौन सी चीज़ टेक्स्ट बुक में, सॉरी वर्कबुक में लिखनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।